हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर विषय हिंदी साहित्य का भाग 9। भाग 8 हम करवा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसमें पूरे 375 क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में सहयोगी होंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, यह हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 376, संक्षेपण का अनिवार्य तत्व है क्रमबद्धता। क्वेश्चन नंबर 377, संक्षेपण होता है मूल अवतरण का एक तिहाई। क्वेश्चन नंबर 378, संक्षेपण की वर्तमान में आवश्यकता होती है। पत्रकार को, विद्यार्थी को, व्यापारियों को, इन सभी को, इसमें से चौथा ऑप्शन सही है, इनमें सभी को। क्वेश्चन नंबर 379, निम्न में से कौन सा लाभ संक्षेपण में नहीं मिलता, संबंधों में सुधार नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 380, संक्षेपण वस्तुतः है मानसिक प्रशिक्षक। क्वेश्चन नंबर 381, संक्षेपणकर्ता को होना चाहिए धैर्यशाली। क्वेश्चन नंबर 382, संक्षेपण का गुण नहीं है विश्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 383, संक्षेपणकर्ता में नहीं होना चाहिए प्रमाद। क्वेश्चन नंबर 384, पल्लव अनुवाद है अंग्रेजी के एक्सपेंशन का। क्वेश्चन नंबर 388, पल्लव शब्द का विलोम है संक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 386, पल्लव का अभिप्राय है विस्तार पूर्वक समझकर लिखना। क्वेश्चन नंबर 387, पल्लवन नहीं किया जा सकता व्याख्यान का। क्वेश्चन नंबर 388, पल्लवन में स्पष्ट किया जाता है मूल भाव। क्वेश्चन नंबर 389, पल्लवन के बाद होनी है वाक्य बोध में सुगमता। क्वेश्चन नंबर 390, परिभाषित शब्दावली को मान्यता दी है राजभाषा आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 391, स्वतंत्रता से पूर्व देश का शासकीय कार्य होता था अंग्रेजी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 392, स्वतंत्रता पूर्व उत्तर प्रदेश के न्यायालयों का कार्य होता था अंग्रेजी उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 393, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता नहीं है, यह सर्वजन के लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 394, एजेंसी का हिंदी रूपांतर है अभिकरण। क्वेश्चन नंबर 395, इन्वेस्टमेंट का हिंदी रूपांतर है निवेश। क्वेश्चन नंबर 396, न्यूट्रिशन का पारिभाषिक शब्द है पोषण। क्वेश्चन नंबर 397, एक्ट का पारिभाषिक शब्द है अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 398, फॉर द टाइम बीइंग का पारिभाषिक शब्द है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 399, माइनर का कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, मामूली। क्वेश्चन नंबर 400, प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतर है परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 401, कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। क्वेश्चन नंबर 402, कंप्यूटर सदैव कार्य करता है अन्य देशों के अधीन। क्वेश्चन नंबर 403, कंप्यूटर के एक प्रोग्राम में होते हैं अनेक अनुदेश। क्वेश्चन नंबर 404, कंप्यूटर भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात है बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 405, वर्तमान कंप्यूटर का विकास माना जा सकता है सन 1942 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 406, विलियम लाइबनित्ज यंत्र वैज्ञानिक थे जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 407, सन 1822 के एक विशिष्ट यंत्र के आविष्कर्ता हैं बैबेज। क्वेश्चन नंबर 408, कंप्यूटर विज्ञान का तेजी से विकास हुआ सन 1940 ईस्वी के बाद। क्वेश्चन नंबर 409, कंप्यूटर की कार्यक्षमता एवं शक्ति के आधार पर विभाजन किए गए हैं 4। क्वेश्चन नंबर 410, 70 के
दशक में जिन कंप्यूटरों का विकास हुआ वे हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 411, कंप्यूटर की अनेक सीमाओं में एक है चेतनाहीनता। क्वेश्चन नंबर 412, वुड प्रोसेसिंग को कहते हैं शब्द संसाधन। क्वेश्चन नंबर 413, स्पेल चेकर को हिंदी में कहा गया है बर्तनी शोधक। क्वेश्चन नंबर 414, भारत में पहला कंप्यूटर आया सन 1961 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 415, कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, चार। क्वेश्चन नंबर 416, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वान न्यूमान का। क्वेश्चन नंबर 417, इनिया कंप्यूटर का निर्माण हुआ सन 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 418, कंप्यूटर का दिमाग है CPU। क्वेश्चन नंबर 419, कंप्यूटर प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं अनुदेश और आंकड़े। क्वेश्चन नंबर 420, बेबेज द्वारा निर्मित प्रथम मशीन का नाम था केबोल। क्वेश्चन नंबर 421, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 422, कंप्यूटर में 1 से 10 को कहते हैं बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन नंबर 423, अनुरूप कंप्यूटर अंकीय कंप्यूटर से किस मामले में श्रेष्ठ है, क्षमता एवं विधि नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 424, संगणक का तात्पर्य है सूचना पर आधारित गणना। क्वेश्चन नंबर 425, डिफरेंस इंजन उपयोग है 56 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 426, आधुनिक कंप्यूटर युग माना जाता है सन 1946 ईस्वी को। स्टूडेंट, ये हो गए हमारे पूरे 426 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।